सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर हाँ। एक एक सौ पच्चीस। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में टिकट काउंटर पर बैठा कर्मचारी कस्टमर का नोट बदलता नजर आ रहा है। शख्स रेलवे कर्मचारी को टिकट खरीदने के लिए 500 रुपये का नोट देता है, लेकिन वो 500 के नोट को कब 20 रुपये में बदल देता है, ये वीडियो में कैद हो जाता है। शुक्रवार 25 नवंबर को रेल विस्पर्स नाम के यूजर ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ठगी की ये घटना मंगलवार 22 नवंबर की है। क्लिप में ग्राहक कर्मचारी से सुपरफास्ट ग्वालियर ट्रेन का टिकट मांगता है। वो टिकट काउंटर पर 500 रुपये का नोट देता है। इस पर रेलवे कर्मचारी नोट बदलते हुए ग्राहक को बेवकूफ बना देता है। वो ग्राहक से दो बार ट्रेन का नाम पूछता है ताकि उसकी नज़र नोट पर ना पड़े। 500 का नोट 20 के नोट से बदलने के बाद वो कहता है कि टिकट तो 125 रुपये का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संबंधित रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स पर गुस्सा जाहिर किया। कुछ लोग ऐसे भी निकले जो पहले इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके थे। एक यूज़र ने लिखा, मेरे साथ 2016 में निजामुद्दीन स्टेशन पर भी ऐसा ही हुआ था। उस समय मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। कई यूज़र्स ने अपने इस तरह के अनुभव शेयर किए। एक यूज़र ने लिखा, ये मेरे साथ भी हुआ था। भुगतान करते समय एक अधेड़ उम्र के चाचा मेरा ध्यान भटकाने आए और टिकट वाले ने मेरे 500 रुपये के नोट को 100 रुपये से बदल दिया। उस दिन मुझसे 400 रुपये ठगे गए। एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा, वाह अविश्वसनीय, इस रेलवे कर्मचारी को अवार्ड देना चाहिए। जाने कितने लोगों को इसने ठगा है। इसे तत्काल निलंबित कर और इसके सभी रिटायरमेंट लाभों को रोका जाना चाहिए। सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर हाँ। एक एक 125।